hello everyone today in this video i will teach you about one more component of marketing mix that is place basically this video is an extended part of my previous videos which are related to the concept of marketing management till now you have read about two components of marketing mix that is product and price and in this video i will teach you about one more component of marketing mix that is the third element place so प्लेस आपकी वो जगह होती है जहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो है वो अल्टीमेट कंज्यूमर बाय करते हैं सो so, इसको हम प्लेसमेंट भी बोलते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं सो इन द मार्केटिंग मिक्स द प्रोसेस ऑफ मूविंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द इंटेंडेड यूजर इज कॉल्ड प्लेस सो प्लेस आपकी वो प्रोसेस होती है जहाँ पे आपका गुड्स जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन सो so प्लेस एक एलिमेंट है जिसमें हम गुड्स को ट्रांसफर करते हैं पूरी प्रोसेस करके प्रोडक्शन की प्लेस से टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन जहाँ पे प्रोडक्ट को कंज्यूम होना हो सो इन अदर वर्ड वी कैन से डेट इट इज हाउ योर प्रोडक्ट इज बॉट एंड वेयर इट इज बॉट सो दिस मूवमेंट कुड बी थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरमीडरीज सच एज डिस्ट्रीब्यूटर होल सेलर्स एंड रिटेलर्स मोर ओवर न्यूअर मेथड इज इंटरनेट विच इज इट्स सेल्फ इज़ अ मार्केट प्लेस नाउ सो वैसे तो हम लोग यहाँ पे प्लेस में चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं जैसे कि हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स होल सेलर्स रिटेलर्स के थ्रू भी अपने प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अल्टीमेट कंज्यूमर्स तक के लिए बट एक नया मेथड लॉन्च हुआ है जो कि इंटरनेट है यहाँ पर हम इंटरनेट पर भी गुड्स और सर्विसेस को बाय और सेल करते हैं ओके okay. सो so, आप जो भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइस रखते हो या सर्विसेज का प्राइस रखते हो वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपके प्लेस से जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हो फॉर एग्जाम्पल आपको ये देखना होता है कि आपके पर्टिकुलर लोकेशन में प्रोडक्ट और सर्विसेज कितना ज़्यादा अवेलेबल है और कितना रेयरली अवेलेबल है ओके okay? मोर ओवर आप ये देखते हो कि कितना ईजिली आपका जो प्रोडक्ट है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे परचेज किया जा रहा है फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इफ़ यू आर सेलिंग सारीज इन समवेयर एब्रॉड आई मीन यू विल हैव सो मैनी लेस कंज्यूमर्स ओवर देयर बट इफ़ यू आर सेलिंग सारी इन कंट्री लाइक इंडिया देयर विल बी सो मैनी कंज्यूमर द टारगेट मार्केट विल बी मोर सो मोर ओवर आपका प्लेस जो है वो कितना यूजफुल है आपके प्रोडक्ट के लिए वो भी डिपेंड करता है फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ सेंग डैट सेलिंग आइसक्रीम टू द स्कीमोज सो वहाँ पे आपका इतना यूज़फुल नहीं होगा प्रोडक्ट का सेलिंग सो एंड मोर ओवर लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका आपको ये भी देखना है कि कितना आपका प्रोडक्ट और सर्विस अट्रैक्टिव है उस पर्टिकुलर कल्चर के लिए सो एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर आप सारी जो है किसी अब्रॉड प्लेस पे सेल कर रहे हो एब्रॉड प्लेस पे बेच रहे हो तो उतना ज़्यादा पीपल उसको नहीं खरीदेंगे जितना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट सारी जो है वो इंडिया में सेल होगा सो so, आपका कल्चर जो है वो भी इम्पैक्ट डालता है आपके प्लेस पे सो so, प्लेस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आपका मार्केटिंग मिक्स का सो थ्रू द यूज़ ऑफ राइट प्लेस अ कंपनी कैन इंक्रीज सेल्स एंड मेंटेन दीज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आपका प्रोडक्ट सॉरी अगर आपका प्रोडक्ट राइट प्लेस पे पहुंचा है राइट right टाइम पे पहुंचा है तो कंपनी की सेल्स जो है वो इंक्रीज़ होती रहती है और ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए आपकी सेल्स इंक्रीज़ होती रहती है मोर ओवर आपके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज़ होते रहते हैं सो so, यहाँ पे जब आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट सही कंज्यूमर के पास पहुँचा है सही टारगेट ऑडियंस के पास पहुँचा है मीन्स आपका जो मार्केट शेयर है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा और आपकी सेल्स भी इंक्रीज होगी इन ऑल ओवर आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज़ होगा सो अगर आपके प्रोडक्ट जो हैं सही टाइम पे अवेलेबल ना कराए जाए सही राइट right टाइम पे राइट right प्लेस पे कस्टमर्स को अवेलेबल ना कराए जाए तो कस्टमर जो हैं वो उनको खरीद ही नहीं पाएंगे सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द मार्केटियर्स टू प्लेस द प्रोडक्ट एट द राइट टाइम टू द राइट कस्टमर्स सो so, आपका करेक्ट प्लेसमेंट जो है वो बहुत वाइटल एक्टिविटी है आपको अपने टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना राइट right टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है और यही आपका प्लेस प्रोस प्लेस एलिमेंट जो है मार्केटिंग मिक्स का वो फोकस करता है इस पर्टिकुलर चीज को ओके okay? कि आपका जो प्रोडक्ट है वो राइट टारगेट ऑडियंस के पास राइट right टाइम पे पहुंच जाए ओके विद दिस वी हैव अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस दैट इज़ प्लेस मिक्स विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सो प्लेस मेक्स रिफर्स टू द इम्पॉर्टेंट डिसीजन रिलेटेड टू द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ गुड्स एंड सर्विसेज सो प्लेस मेक्स क्या है यहाँ पे हम इम्पॉर्टेंट डिसीजनस लेते हैं हमारे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ गुड्स और सर्विसेज के आपके गुड्स और सर्विसेज का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके इसके लिए हम इम्पॉर्टेंट डिसीजनस लेते हैं मोर ओवर दीज डिसीजन्स फोकस ऑन वेयर द बिजनेस इज लोकेट वेयर द टारगेट मार्केट इज प्लेसड हाउ बेस्ट टू कनेक्ट दीज टू How to store goods in the interim and how to eventually transport them. So, इस पर्टिकुलर डिसीजन को लेकर के कि कैसे आपका फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स और सर्विसेज का होना है आपका जो मार्केटियर्स का फोकस रहता है वो बिज़नेस पे रहता है कि आपका बिजनेस कहाँ लोकेट किया जाए जिससे कि आपका प्रोडक्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक पहुँच सके मोर ओवर आपकी टारगेट मार्केट कहाँ पर है ये हमें देखना होता है कैसे आपके बिज़नेस से आपके टारगेट मार्केट तक पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पहुंचाए जाएं ये भी एक पर्टिकुलर डिसीजन लिया जाता है आपका गुड्स जो है वो कहाँ स्टोर करना है ये डिसीजन भी हम प्लेस मिक्स में लेते हैं और कैसे आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज जो है वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा किस मीडियम से सो so, ये सारे डिसीजंस जो हैं वो हम प्लेस मिक्स में लेते हैं सो दीज डिसीजंस आर डिसाइडिंग द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा सो प्लेस मिक्स जो है वो आपका इंक्लूड करता है दो चीज़ें दो एलिमेंट्स डैट इज चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जिसको हम फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स भी बोलते हैं सो so, आपका प्लेस मिक्स जो है वो आपके फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजनस हैं वो प्लेस मिक्स के अंदर लिए जाते हैं ओके विद दिस वी हैव फ्यू डिसीजन्स विच वन शुड टेक अंडर द प्लेस मिक्स या आपके फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन का गुड्स और सर्विसेज़ के अंदर जो भी डिसीजंस लिए जाने होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपका आपका कस्टमर का जोग्राफिकल कंसंट्रेशन कहाँ है ये आपको स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है मोर ओवर स्टडींग टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड चैनल मम्बर सो आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का क्या टाइप रहेगा ये आपको पढ़ना होता है चैनल मेंबर्स कितने होंगे ये पढ़ना होता है अबाउट दिस चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैनल मेंबर्स आई विल टॉक इन माई नेक्स्ट वीडियो सो थर्ड आपका डिसीज़न है कि एनालाइजिंग वेरियस रेलिवेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग चैनल डिसीजन सो आपके चैनल डिसीजनस को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये भी रेलीवेंट डिसीजनस हमको प्लेस डिसीजन में लेने होते हैं अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड देयर फैक्टर्स आई विल टॉक अबाउट इन टॉक अबाउट दिस इन माई नेक्स्ट वीडियो ओके सो आपको कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेना है आपको कौन सी स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने हैं अपने डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज से ये सारे डिसीजन हमें प्लेस डिसीजन में लेने होते हैं प्लेस मिक्स में लेने होते हैं मोर ओवर आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका ट्रांसपोर्टेशन कैसा होना है क्या कम्युनिकेशन चैनल रहेगा वेयर हाउसिंग कहाँ होगी इन्वेंट्री कंट्रोल इंश्योरेंस बैंकिंग अबाउट दिस प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन आई विल टॉप इन माई नेक्स्ट वीडियो ओके सो आपका डिस्ट्रीब्यूशन के कॉस्ट और सेलिंग प्राइस को भी बैलेंस करना ये भी प्रेज मिक्स में एक इम्पॉर्टेंट डिसीज़न होता है मोर ओवर आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कौन सा बेस्ट रहेगा कौन सा आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो लॉन्ग टर्म डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज़ फॉलो करता है ये सारी चीज़ देखनी होती हैं आपका ऐसा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क रहे ऐसा कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी बनाई जाए जो कि लॉन्ग टर्म के लिए वर्क करें मोर ओवर आपका डेवलपिंग और कैसे आपको लॉजिस्टिक मैनेजमेंट करना है अपने प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये भी आपको देखना पड़ता है आपका जो भी लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है प्रोडक्ट्स का उसको और कैसे डेवलप किया जाए और कैसे इफेक्टिव बनाया जाए ये सारे डिसीजंस हम लेते हैं प्लेस मिक्स में जिसको हम प्लेस डिसीजंस भी बोलते हैं सो so, विद दिस वी हैव टू एलिमेंट्स ऑफ प्लेस मैक्स डैट इज चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स भी कहते हैं ओके सो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इट रिफर्स टू दोज पीपल एंड कंपनीज़ हु इन डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड एंड सर्विसज फ्राम प्लेस ऑफ मैन्यूफैक्चरिंग टू द प्लेस ऑफ कंजम्पन सो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में वो पीपल वो कंपनीज आते हैं जो हेल्प करते हैं गुड्स और सर्विसेज को फ्रॉम द प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक पहुँचाने में जो लोग जो कंपनीज हेल्प करते हैं आपके गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो आते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो टी है वो बेसिकली दार्जिलिंग आसाम में प्रोड्यूस होती है बट आपका जो कंज्यूमर है जो कन्जम्पन है वो ऑल ओवर इंडिया में किया जाता है इट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ दीज चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड दिज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ओके सो विद दिस वी हैव एनेदर एलिमेंट ऑफ प्लेस मिक्स डेट इज़ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपका फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इट इज़ ऑल अबाउट प्लानिंग इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द फिजिकल फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू द कस्टमर्स सो आपके फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में या फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स में क्या होता है इसमें हम कैसा गुड्स और सर्विसेज का फ्लो कर रहे हैं फिजिकल फ़्लो कर रहे हैं उससे रिलेटेड क्या प्लानिंग की गई है कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है कैसे कंट्रोल करना है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को फिजिकल फ्लो को गुड्स और सर्विसेज के वो सारी प्लानिंग हम फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं मोर ओवर इससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है प्रोड्यूसर से कस्टमर तक वो सारी चीज़ें हम फिज़िकल डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हैं ओके अबाउट दीज टू चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आई विल Talk about in my next videos. So please stay tuned because these two elements, that is channels of distribution and physical distribution, they are the most important topics of place mix and they are so lengthy also. That's why I cannot cover in this particular video. So I will talk about these two topics in my next video. So please stay tuned. Moreover, please go through your books, read it from there also and if you still have any query any doubt regarding this concept please ask your queries to me and if you find my video helpful please like my video share it with your friend and subscribe to my channel okay thank you